हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s में जो अभी अपडेट आया था अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था उस अपडेट में क्या चेंजेस किए गए जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस अपडेट का रिव्यू बताने वाला हूँ कि उस अपडेट के बाद आपको अपने मोबाइल में क्या चेंजेस देखने को मिले या फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। आगे आपको वीडियो बताने वाला हूँ। आगे चलने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको जो अपडेट आया था उसका रिव्यू बताने वाला हूं। तो उसके लिए मैं सबसे ले जा रहा हूं आपको सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर जो आपने अपडेट अगर अभी तक नहीं कराया तो आपको वहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके पहले तो उसको अपडेट कर लेना है। और आप देखेंगे ये जो अपडेट आया था 216 MB का ये अपडेट आया था, जिसमें मैंने बताया था या बोल सकते हैं जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब करा था कि इस अपडेट में सिंपली यहाँ पर कोई बक्सेस को फिक किया गया है, कोई नए फीचर एड ऑन नहीं किए गए हैं। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 की सिक्योरिटी को अपडेट किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था, इसमें सिक्योरिटी को अपडेट किया गया है और कुछ बक्सेस को फिक्स किया गया है। उसके लिए मैं आपको एक जगह और ले जा रहा हूँ। यहाँ जाना है आपको अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जाने के बाद ये आपको ले जाएगा सैमसंग की वेबसाइट पे, सॉरी एंड्रॉइड की वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना डिवाइस सैमसंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने डिवाइस आपको सैमसंग को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सैमसंग को सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको बता देगा कि इस अपडेट में मेनली क्या अपडेट किया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है गूगल पेज इंक्लूड पेज अपडेटेड फॉर एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट अक्टूबर 2022 पैकेज के लिए। यहाँ पर CVE 2022 कुछ क्रिटिकल बक्सेस हैं या बोल सकते हैं क्रिटिकल कोई वायरस है जो कि हार्म करते थे, उसको यहाँ पर फिक्सेस किया गया है। क्या प्रोसेस हुई उस फिक्स करने की, कैसे उसको करते थे, एक एक चीज उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको इसको अपडेट तो कर लेना चाहिए। इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये सब चीजें जैसे कि कोई आपको इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल कर रहा हो तो उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन को कंट्रोल किया गया है। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख जाएंगे किस किस चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। उसके अलावा दोस्तों ये जो अपडेट आया था, इस अपडेट को पूरे तरीके से मतलब इस अपडेट में कोई भी ऐसा कोई बग्स नहीं लगा जिसको आपको लग रहा हो कि इस अपडेट को करके आपने गलती करी। लाइक जैसे कि मैं आप देख रहे होंगे इसकी जो चलने की स्मूथनेस है यहाँ पर काफी अच्छी स्मूथनेस यहाँ पर चल रही है। अगर आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कितनी अच्छी स्मूथनेस पे ये वर्क कर रहा है। ये इसमें ना कोई लैगिंग मिली, ना कोई हीटिंग है, ना कोई आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत इजीली ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। मुझे ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लगा, ना मेरा मोबाइल यहाँ पर हीटिंग को हो रहा है, मैं कंटिन्यू यहाँ पर इसको चलाता भी हूँ, ना मुझे कोई हीटिंग का इशू आ रहा है, ना कोई लैगिंग का इशू आ रहा है और ना कोई बैटरी का ड्रेनिंग का इशू आ रहा है। अगर मैं आप यहाँ जाऊँ सेटिंग पे जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैटरी देखेंगे जैसा कि मैंने इसको लास्ट चार्ज कराया, उसके बाद मैंने स्क्रीन टाइम 1 घंटा 12 मिनट मैंने स्क्रीन टाइम को यूज करा है और अभी मेरे मोबाइल की बैटरी 58% आपको दिख रही होगी। और मैं हमेशा अपना मोबाइल 85% के ऊपर चार्ज नहीं करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको अपने मोबाइल की बैटरी बचानी है या लाइफ बचानी है तो आपको 85% तक चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्क्रीन टाइम 1 घंटा 2 मिनट करा हुआ है और अगर आप देखेंगे मैंने बहुत सारी एप्स को यहाँ पर बैकग्राउंड में किया हुआ है। और अगर आप लास्ट 7 डेज का देखेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा, लाइक ये 12 तारीख को अपडेट आया, अगर 11 को देखेंगे तो वहां पर मैंने 4 घंटे 25 मिनट चलाया था और ऐसे ही अपडेट होने के बाद मैंने 13 तारीख को चलाया तो वहां पर भी मैंने 4 घंटे 54 मिनट चलाया, बट मेरा स्क्रीन टाइम वहां पर इम्प्रूव था। मतलब कि इस अपडेट के बाद मेरे मोबाइल की बैटरी का परफॉर्मेंस यहां पर इंक्रीज हुआ है, लैगिंग का इशू नहीं है और ना ही कोई बग फिक्स मतलब कोई बग्स मुझे लगे हैं इस अपडेट में। कोई भी बग जैसा कि एक बार एक अपडेट आया था जिसमें नेटवर्क इशू या नेट स्लो का बग्स था, ऐसा कोई इस बग्स नहीं लगा है और सब यहाँ पर ओवरऑल मस्त चल रहा है। ओवरऑल दोस्तों इस अपडेट को बहुत ही अच्छा दिया गया है। अगर आपके मोबाइल में बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम या फिर लैगिंग की प्रॉब्लम या फिर हैंगिंग की प्रॉब्लम और हीटिंग की प्रॉब्लम हो तो आपको इस अपडेट को कर लेना चाहिए। छोटा सा अपडेट है, कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट भी नहीं है, बट इसके अपडेट के फायदे आपको बहुत मिलेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, जैसा कि अभी हो रहा था कि 5G एयरटेल की 5G लॉन्च हो चुकी है, बट लॉन्च होने के बाद भी
5G इनेबल सेट पे भी वो नहीं वर्क कर रही है, जैसा कि बहुत सारे हैंडसेट पे वर्क नहीं कर रही है, जैसा मैंने एक वीडियो बना के बताया भी था कि मेरे मोबाइल पे वो वर्क नहीं कर रही है, बट उसका एक अपडेट आएगा और उस अपडेट के बाद वो वर्क करना चालू हो जाएगी। इस अपडेट के बाद भी वो अभी भी चालू नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एयरटेल के ऐप पे जाता हूँ, एयरटेल के ऐप पे आने के बाद मैं वापस यहाँ पर चेक फॉरवर्ड करूंगा, अपडेट होने के बाद भी अभी भी वो सॉफ्टवेयर कंफिगरेबल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बोला है उन्होंने, सैमसंग वालों ने, कि हम नेक्स्ट मंथ मतलब नवंबर में या दिसंबर स्टार्टिंग में एक अपडेट देंगे जिसमें जितने भी सैमसंग के एंड्रॉइड जो भी 5G इनेबल्ड है, जिसका 5G वर्क नहीं कर रहा, उस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो सब चालू हो जाएगा। ओवरऑल इस अपडेट को आप यहां पर बेस्ट मान सकते हो, क्योंकि इसका ना कोई लैगिंग का ना कोई इश्यूज चल रहा है, मेरे को तो सही लगा यार भाई, आपको इसको अपडेट करना चाहिए। ऐसा कोई नया फीचर इसमें नहीं था जो कि मैंने आपको बता सकूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, मेरे जल्दी 20K पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।